पैसे बनाने हैं और आईसीसी को भी रेवेन्यू बनाकर देना है। एक सवाल के जवाब में रमीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलें चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वहां पर एक हलचल हुई है जी। अब वहां पर हुआ ये है कि पाकिस्तान के मनसूखी के दबाव के बायस इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन व्हाटमोर जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं। बरतानवी मीडिया का Right, so why have you come here? I just play the game. Oh, you play the game. Yeah. So all the viewers in Pakistan and rest of the world would like to know, what do you call cricket in Chinese? Cricket in Chinese is ban qiu. ओके राइट, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में कुछ लास्ट में बोलना चाहिए। ये चीजें नहीं है, देखिए एक प्लेयर आ रहा है, प्रोफेशनल है, उसको पैसा मिलता है खाने का, मतलब मैच खेलने का, उसका काम है कि सीख क्या है, सब कुछ करके आए, किसी दुनिया में नहीं था। हमारे टाइम में कोई सिखाता थोड़ी था, अगर सीखते तो मैं अपने घर के बच्चों को ना खिला लूं, बच्चों को खिला खिला के सिखा के आउट भी होंगे, ये होंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर कंट्री खुद बना के आना पड़ेगा, तुमने प्रेजेंटेशन देनी है, जो भी प्लेयर है उसका काम है, ये नहीं कि बनाया कोई नहीं जाता। अगर आप 20 करोड़ की आवाम में क्रिकेट खेली जाती है, आप बनाएंगे, बनाने में नहीं जाते, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले जैसे दुनिया ले रही है, इंग्लैंड या भाई मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, यू हैव टू परफॉर्म, और तुम खुद सीख के आओ, तुम खुद मेहनत करो, खुद ताको। तो हम अपने टाइम पे खुद ताकते थे, खुद प्रैक्टिस करते थे, सारा कुछ अपने ऊपर होता था, अपने आप को मेंटेन करते थे, उस काबिल बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो काबिल ही नहीं होते। अब आप टेस्ट क्रिकेट में जा रहे हैं जब आपके ना फॉल्ट आ रहे हैं, जब आपकी बेसिक नहीं है, पहले यहाँ पिच एंड चूज कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा क्या आया ये लड़के का अच्छा है, फिर देखना होता है कि ये लड़का उस बॉलर के लिए ट्राई अच्छा होगा, नहीं तो यू नीड आई। यहाँ पर लोगों को जो भी ये सिलेक्ट करते हैं, जो भी यानी कि इससे कंसर्न है क्रिकेट के, उनसे पहले क्वेश्चन आंसर करो, पूछो अगर क्रिकेट को अपने हमने ऊपर लेके जानी है और लाइक टॉप लेवल पे, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ये वो चीजें सबसे करनी पड़ेगी। और बिफोर यू मेकिंग एनीवन के आपका वो कोच बने, ये मैं उससे जज कर रहा हूँ, उसको पहले फिरवाएं आप। अच्छा जावेद भाई, कमिंग बैक टू ये जो अभी मौजूदा स्क्वाड है, इस पर जरा आपसे एक आपके एनालिसिस लेना चाहेंगे कि जब पिछली टीम सिलेक्शन हुई इसी टूर्नामेंट के लिए, तो फिर एक क्रिटिसिज्म ये था कि आपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को प्रेफर नहीं किया। शुएब मलिक की सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते थे, सरफराज की शमूलियत पर हिमायत की जाती थी, अब जब सरफराज और शुएब दोनों हैं, पहले ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन पर कितना प्रेशर होगा अब परफॉर्म करने का, और क्या इस परफॉर्मेंस प्रेशर में वो अपनी गेम खेल पाएंगे? देखिए एज जो है मैटर नहीं करती, आपने उसकी क्वालिटी देखनी है। अगर मैंने देखा है कि 50-50 साल वाले जो है खेलते हैं, राइट, उनकी फिटनेस, आपको फिटनेस देनी है, आर यू फिट इनफ टू प्ले क्रिकेट। अगर वो लड़का मैं कहता हूँ 50 साल का भी है, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है, तो उससे अच्छा और कौन मिल सकता है कि मोर एक्सपीरियंस इन एनीथिंग है। तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हम नहीं खेल रहे हैं ना, हमारी बेस डिफरेंट है, हम बेस छोड़ के हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वहां की क्रिकेट डिफरेंट है, वहां पर प्लेयर जो है वो खुद छोड़ देता है क्रिकेट, थोड़ा सा खेलता अच्छा होता कहता हो क्या लाइफ, वहां पर जो है काउंटी की तरह उनके जो कोचिज है या उनके जो जहां जहां से ये खेलते हैं वो जिम्मेदार होता है, वो बना के ऊपर लेके आते हैं। हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है, इसीलिए जब हम क्रिकेट खेल रहे थे बैंकों वाली, जब डिपार्टमेंट से आपके सबसे बेस्ट प्लेयर जो होते हैं ना उस वक्त थे, यानी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा किसी चीज में, क्योंकि हर प्लेयर के पास, हर टीम ने अच्छे प्लेयर लिए, तो क्वालिटी क्रिकेट होती थी, और उसकी वजह से आप वर्ल्ड चैंपियन भी हो। वो लड़के जो कभी डरते या अभी आज जितने भी है, जैसे हमी देवो, ये सब पैदावार जो है। जावेद भी मुझे यही सवाल जरा डॉक्टर साहब से भी करना है, उनका भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ठीक है, फिजिकल फिटनेस तो प्राइमरी चीज है, आपका फोकस भी गेम में बड़ा जरूरी है, अब मेन प्लेयर्स आपके सीनियर प्लेयर्स मैच से हफ्ता पहले उन्हें नहीं पता कि वो स्क्वाड में है या नहीं है, अब वो स्क्वाड में आ गए हैं, फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं, परफॉर्म कर सकेंगे? अच्छा, इसमें जी सबसे पहले तो एक चीज जैसा जावेद भाई कह रहे थे
इट इज नॉट असेंशियल कि कितने बड़े प्लेयर्स आपके पास हैं, उनकी टी ट्वेंटी में यूटिलिटी कैसे. अब अगर आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को देखते हैं तो वो दोनों आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, बट वो ओपन करेंगे. अगर उनके स्ट्राइक रेट्स देखें, एक का करियर स्ट्राइक रेट 129 है, एक का 130 है. दिस मीन्स अगर वो 100 की पार्टनरशिप लगाते हैं तो 14 ओवर गुजर गए. हफीज का लास्ट ईयर मिजरेबल गुजरा, उससे पहले जो था वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले. अभी डेंगी के बाद वापस आ रहे हैं. अगेन उनका स्टाइल है कि वो थ्रॉटल, मतलब वो लेट एक्सेलरेशन करते हैं. मलिक अगेन वो सेवियर आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे कैमियो खेलने, डेलिकेट क्रिकेट खेलनी और वो फिर पंच करते हैं. वो पावर हिटर नहीं है. सरफराज गेम ऑफ एंगल्स वाले हैं, इम्प्रोवाइजेशन स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं. तो क्या ये सारे एक कैनवस में फिट बैठेंगे? क्योंकि आपने प्लान कैसे करना है कि पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आपने पावर हिटर्स के साथ जाना है, वो तो आपके हैं नहीं. तो इसका मतलब है 7 से 15 में बिल्ड करना है. तो बिल्डिंग एक्सेलरेशन में आके लास्ट फाइनल फ्लरिश कौन देगा? हसन अली देगा या अमाद वसीम देगा? सो ये इतना आसान नहीं होगा. अच्छा, फिर शुएब मलिक का, आई हैव बीन हिज ग्रेटेस्ट सपोर्टर. 11,000 रन हो गए टी20 में, बट एट द एंड ऑफ द डे जितने भी वो खेले हैं वाइट बॉल टूर्नामेंट्स इन द लास्ट 10 ईयर्स, जो वर्ल्ड ग्लोबल टूर्नामेंट, 18.5 की एवरेज है. सो ही हैज नॉट ओनली दिस टाइम के प्रूव करना है, स्वान सॉन्ग है उनका. लास्ट ये 6ठा वर्ल्ड कप होगा. ही हैज प्लेड इन ऑल टी20 वर्ल्ड कप्स अदर देन 2010. सो प्रेशर तो होगा. सरफराज का अगेन थोड़ा सा ट्रिकी ये होगा, क्या वो एज बैट्समैन खेलेगा या वो रिजर्व विकेट कीपर ही रहेगा और वो नहीं खेलेगा और रिजवान विकेट कीपिंग करेगा. सो आपका टीम का बैलेंस कैसे बनेगा? सो इट इज नॉट एन इजी आस्क फॉर सकलान मुश्ताक. और वो तो कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लैंडर, तो वो तो इतने रेलेवेंट नहीं होंगे. सकलान को करना है. सो अब आपने पूछा था कि कंपैरेटिवली, माइंड यू कि इंडिया दे आर गोइंग टू बी अमेजिंगली फेवरेट, चाहे वो सूर्य कुमार है, चाहे वो ईशान किशन है, चाहे ओपन करना है विराट ने और रोहित ने और फिर रविंद्र जडेजा, एंड दे हैव द फायर पावर. इंग्लैंड इन विकेट्स पे कितना कंपेटिटिव हो पाएगा? क्या वो क्रिकेट खेल सकेगा, वो जो गोल्फर स्विंग वाली क्रिकेट है लियाम लिविंगस्टन की या जो ओयन मॉर्गन की? ऑस्ट्रेलिया अगेन विल स्ट्रगल ऑन दीज पिचेस. आप एक टीम को बहुत अंडर रेट कर रहे हैं टी ट्वेंटी में. अगर हशमतुल्ला जज़ई ने ऊपर से स्टार्ट दे दिया तो दे हैव द बेस्ट स्पिनिंग अटैक इन दिस कंपटीशन. वो बेहतरीन स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं. सो दे आर नॉट ऑल दे आर गोइंग टू बी वेरी मच रेलेवेंट. वेस्ट इंडीज डोंट मिस देम आउट, क्योंकि वो हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मार रहे हैं और वो आपको टी20 में जो रन रेट मेंटेन रखना है और वो 8 से 9 पावर हिटर्स हैं. सो इसमें वो आप डोंट गो ऑन लाइक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका. सो पाकिस्तान will still be in the race, लेकिन if they manage कि वो अपने 11 players को किस तरह utilize. तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि T20 World Cup आने वाला है 17 तारीख से. हालांकि इंडिया का तो कैंपेन 24 तारीख से स्टार्ट होगा, पहला मैच हमारा पाकिस्तान से. और पाकिस्तान में बहुत तरीके से माहौल बन चुका है T20 World Cup का, हालांकि अभी इंडिया में नहीं बना है. उसकी मेन वजह है क्योंकि अभी IPL चल रहा है, पहले IPL खत्म होगा उसके बाद T20 का माहौल बनेगा. लास्ट T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा 2016 में हुआ था, जिसमें भारत काफ़ी अच्छा खेल रहा था लेकिन सेमीफाइनल में हारा था वेस्ट इंडीज़ से वानखेड़े में. अब इस T20 वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है, भारत सेमीफाइनल में तो बहुत आसानी से पहुंचेगा और पहुंचना भी चाहिए, इतनी बड़ी टीम है, लेकिन नॉकआउट्स जो होंगे बेसिकली 2 मैच हमें जीतने हैं अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, तो सेमीफाइनल और फाइनल और हमारा लास्ट मतलब 6-7 ICC टूर्नामेंट हो चुके हैं जिसमें हमारा रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है 2014 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से लेकर अब तक, अभी तक जितने भी ICC टेस्ट चैंपियन का जो फाइनल हुआ है, टेस्ट चैंपियनशिप अभी देखा होगा आपने, अभी तक हम सारे नॉकआउट्स गेम हारे हैं. वो रिकॉर्ड क्या इस बार ब्रेक होगा? क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. दोस्तों रही बात इंडिया पाकिस्तान के मैच की, तो आपको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच खेलते नहीं है और इंडिया पाकिस्तान की बेसिकली जो दुश्मनी है वो क्रिकेट के रूप में. आपको पता है कि अब जो भी हाइप बनती है वो बेसिकली उसी वजह से बनती है. आपको पता है हमारी हिस्ट्री रही है एक, तो उस हाइप की वजह से अब इस मैच को भी माहौल काफ़ी बनाया जाएगा. आपने देखना कि अभी स्टार स्पोर्ट वाले इसको लेकर कोई गाना रिलीज़ करेंगे, मौका मौका और ये सब वो भी काफ़ी करते हैं, तो इस मैच को लेकर अभी बहुत हाइप बनेगी. 24 तारीख को है, इसी महीने की 24 तारीख को है, तो ये मैच इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत पाकिस्तान मैच खेलते नहीं है, तो एक तो कभी कभार मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो ये मैच डेफिनेटली देखने लायक होगा. दोस्तों T20 वर्ल्ड कप है, कोई भी टीम कभी भी, आपको भी पता है ये बात सही है, 2 प्लेयर अगर चल गए वो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं.
दो तीन ओवर में पूरा गेम पलट जाता है। आप आईपीएल देखते होंगे तो मैचेस तो कोई भी जीत सकता है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि हम ही टी20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमारा ही है ये वर्ल्ड कप, ये कहना तो डेफिनेटली गलत होगा। ये तो डिपेंड करेगा उस दिन कौन सा प्लेयर सही फॉर्म में है नहीं है। भारत के साथ भी एक समस्या है, भारत में ऐसे जो आईपीएल के परफॉर्मर हैं जैसे यूजी चहल वगैरह, अभी उनका टीम में नाम नहीं है। अब हो सकता है कल फाइनल टीम अनाउंस हो जाए और उनमें उसका नाम आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यूजी चहल को मैं पर्सनली देखना चाहूँगा टीम इंडिया में और हर्षल पटेल को देखना चाहूँगा। आपके क्या कॉमेंट है जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे।